नमस्ते 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 जी नमस्ते 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 नमस्कार नमस्ते नमस्ते। तो यहाँ से निकल चले मालिक नहीं वो बारिश ज्यादा तेज हो रही है ना इसीलिए कहा। ये 100 साल पुराना बांध है अंग्रेजों के जमाने का इसीलिए अब तक चल रहा है। लेकिन और नहीं चलेगा पिछली बारिश में भी मुश्किल से पानी का प्रेशर संभाल पाया था और इस साल भी अच्छी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इंजीनियर साहब का कहना है कि अब तो बांध की रिपेयरिंग होनी ही चाहिए। और रिपेयरिंग करने के लिए पहले बांध का पानी निकालना जरूरी है। हम उत्तर की ओर छेद करके बांध का पानी निकाल सकते हैं। उस तरफ हमारे खेत है वहाँ से पानी निकालने से हमारी फसलें बर्बाद हो सकती हैं। अरे बांध टूट जाएगा तो सारा गांव बर्बाद हो जाएगा। विष्णु प्रताप जी के खेत भी तो उसी तरफ हैं। नहीं नहीं मेरे खेतों की कोई फिक्र मत करो गांव सलामत रहे बस। बोलिए वीरेंद्र प्रताप जी आप क्या कहते हैं? मुझे मंजूर नहीं है। उनसे कहिए कि उनका जो भी नुकसान होगा मैं भरपाई कर दूंगा। भिखारी समझ रखा हमको क्या? भीख देंगे हमको। ये तो गाँव की भले की बात कर रहे हैं रुद्र प्रताप। ये क्या गाँव गाँव लगा रखा है तुमने? है? उस वक्त कहाँ थे ये गांव वाले जब मेरे साथ जुल्म हुआ था? जब हमारे घर में आग लगी थी उस वक्त तो कोई नहीं आया आग बुझाने। तुम इंजीनियर हो बांध को बचाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढो। हमारी फसलों को रत्ती भर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए बस। चलिए दाऊ जी और तुम लोग जाओ यहाँ से वरना काट के रख दूंगा और कोई यहाँ पे नहीं रहेगा। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम। हाँ ना इन दोनों में कभी मेल होगा न कभी इस गांव का कुछ भला होगा। बिल्कुल ठीक कहा। चलो भाई, भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो। जा गोविंद उन्हें कुछ चाहिए। अपने आप तो तेरे मालिक एक ग्लास पानी भी नहीं मांगेंगे। जा पूछूंगा तो हमेशा की तरह ना ही बोलेंगे। पानी लाऊं साहब जी? तुम्हारी मालकिन ने दवा ले ली। मुझे तो पहले ही पता था मालकिन आपके खाने का पूछेंगी आप उनके दवा का पूछेंगे। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। दूध लाऊं गर्मा गर्म? नहीं गोविंद तुम एक काम करो पुरोहित को बुला लाओ। एक तो शनि की महादशा चल रही है। कहाँ चल रही है? ऊपर से शुक्र निचले स्थान पर बैठा हुआ है। मन की शांति हो कैसे सकती है? इसीलिए तो आपको बुलाया है ना पंडित जी। आप ही कुछ उपाय बताइए। उपाय तो मैं पिछले 5 साल से बता रहा हूँ गोविंद लेकिन जजमान मेरी बात हमेशा टाल देते हैं। देखिए मेरा कहना मानिए अपना षष्ठी पूर्ति का उत्सव मनाइए। सारे नाते रिश्तेदारों को बुलाकर 9 ग्रहों की शांति का पाठ करवा दीजिए। घर में रौनक होगी तो बीवी जी की तबीयत जो नरम गरम चल रही है ना वो भी अच्छी हो जाएगी। ठीक ही तो है साहब जी। कुछ नहीं है तो मालकिन की तबीयत का ख्याल करके तो मान जाइए। ठीक है गोविंद बुला लो सबको। ये लो ये बोतल रख दो। हाँ इसे भी रखो और ये बिस्किट लो। लाओ लो। वहां पहुंचते मुझे फोन कर लो। आपके अलावा वहां सभी लोग आ पहुंचे होंगे। क्या सोचेंगे वो लोग कि आपको बिल्कुल पड़ी नहीं है? आपका कौन सा बाबूजी के साथ खून का रिश्ता है? अफो तुम भी कैसी बातें कर रहे रत्ना ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा। और फिर सभी जानते हैं बाबूजी के काम से यहाँ पर रुका हुआ हूँ। अच्छा तुम फिकर मत करो मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा। अरे मेरे आने तक तुम और मंगला तो हो ही ना। गाड़ी जाने का सिग्नल भी हो गया। कहाँ चली गई? टिकट रख लो। हाँ लाओ। अरे मंगला कहाँ रह गई? Excuse me, how
क्या लगे ये गोलियां सुबह नाश्ते के पहले और ये कैप्सूल खाने के बाद ठीक है बाबा क्या मैं ले लूंगा चलो 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 पापा हो गया ऐसे कैसे निकल जाएगी मंगला खुली चलो 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 क्या हुआ Papa, I love you. Take care. See you soon, Papa. I love you too. Bye. Bye, Ratna. Bye. Papa, see you. Really miss Salga you. Thank you, Auntie. Babu ji, ये बताइए, गन्ना पका कि नहीं? हाँ, लाओ लाओ लाओ. तेरे खाने लायक तो पकी गया होगा. अरे गोविंद अरे नो तुम यही पे खड़ा हूँ अरे नैना बेटिया आने से पहले खेत से गन्ना तो मंगवा लो मुझे तो पहले ही पता था नैना बेटिया के आने से पहले ही मैंने खेत से गन्ना मंगवा लिया तातू हाँ बेटा अपनी घड़ी निकालिए अपनी घड़ी निकालिए लो भाई ये लो मैं आपके लिए घड़ी लेकर आई हूँ वाह 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 कैसी लगी अरे घड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी कौन से मेरे पैसे लगे बिल तो डैडी ने चुकाया ना लो और सुनो डॉक्टरनी साहिबा तुम्हारी डॉक्टरी कहाँ तक पहुंची ए अपना छोटू है ना छोटू पहली से दूसरी दूसरी से तीसरी तीसरी से चौथी में पहुंच गया लेकिन मंगला बिटिया की डॉक्टरी अभी तक पूरी नहीं हुई अरे गोविंद डॉक्टरी करने के लिए 5 साल लगते हैं। छोड़िए छोड़िए कोई अगर दिल लगा कर पढ़े ना तो साल 2 साल बहुत हो गए ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है ततु वैसे गोविंद दादा की बात सच ही है क्या कि आपने मुझे बिगाड़ कर रखा है वो कैसे मेरी हर बात मान लेते हैं आप आप कौन सी बात मनवानी है मुझसे बस एक आइडिया है हे लिसन एवरीबॉडी यू नो दद्दू की षष्ठी पूर्ति के मौके पर हम दद्दू और दादी माँ की शादी फिर से करा दे वाह 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 सुन लिया तुमने क्या कह रहे और खूब धूम धड़ाका होगा बैंड बाजा बजेगा और आतिशबाजी भी होगी क्या बात है ढोलक पे गीत गाए जाएंगे मेरी प्यारी दद्दिया बने Hey, चुप! क्या ये? ये कुत्ते के लिए। घास फूस खाएंगे मेरे शेर। हट! जा जाके मटर लेके आ। बाबूजी, आपका नाश्ता। अरे ओ रुद्र कुत्तों को कुछ खिला पिला कर चुप करा बेकार में क्यों चिलवा रहा है इसलिए चिलवा रहा हूं ताई जी ताकि उस घर का शोर इस घर में सुनाई ना दे शोर नहीं है रुद्र बाबू ये तो खुशियों का राग है सुना है उस घर के मालिक और मालकिन फिर से शादी कर रहे हैं पांव कब्र में लटक रहे हैं बुड्ढे बुढ़िया के और शादी रचाने चले हैं अरे फेरे फेरते ही राम नाम सत्य हो जाएगा माँ ये गहने बक्से में रख देती हूँ इंदर भैया की याद आ रही है 25 साल बीत गए इस बात को आपको अब भी उनकी याद सताती है हाँ बेटी इंसान चले जाते हैं उनकी याद रह जाती है जिस तरह 25 सालों से जंजीर इस डब्बे में बंद है उसी तरह उसकी याद मेरे दिल में कैद है काश मैं इंदर के परिवार को एक बार देख पाती बस एक बार मा, आपकी वजह से आपकी जिद की वजह से मालकिन इतनी दुखी है अरे 25 साल गुजर गए उस बात को अब तो गुस्सा दुख दीजिए मालकिन एक बार इंद्र बाबू के परिवार को देखना चाहती
वो जो इस घर की सुख शांति मान सम्मान सबको मिट्टी में मिलाकर चला गया, उसके लिए तुम्हारी मालकिन को क्यों इतना प्यार उमड़ आ रहा है? वो बेचारा तो इस दुनिया में ही नहीं रहा, उसके लिए बुरा भला मत बोलिए। वही दुनिया में नहीं रहा तो किसे देखना चाहती हो? क्यों, बेटा नहीं रहा तो उसके बाल बच्चे क्या हमारे बच्चे नहीं रहे? आज तक नहीं रहे तो आज अचानक क्या हो गया है? अब तक जीने की एक आस सी थी मन में, लेकिन अब लगता है उन्हें देखे बगैर ही मर जाऊंगी। माँ, माँ सुनो तो। मंगला, जाओ गोविंद जाओ, मुंबई वालों को भी तार भेज दो। My pals, my buddies, my friends, today we've all graduated. पीछे बचपन पड़ा है और आगे जवानी खड़ी है। आज हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और कल न जाने कहां होंगे। I'm really sad this is the last day of college. Hey you, by the way, we'll miss you. We'll really miss you, Miss Jaitley. हेलो 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 मिसेज अगारकर, वी ऑल नो यू लव पुराना क्रिकेटर गावस्कर, बट वी आर वेरी वेरी सॉरी टू टेल यू देर इज नो वन ग्रेटर देन अपना सचिन तेंदुलकर। वो दिन वो बहार याद आए, कॉलेज का मल्हार याद आए, कैंटीन की तकरार याद आए, लाइब्रेरी का प्यार याद आए, खूबसूरत जवान दिल नशी लड़कियां चाहती थी मुझे, सब हंसी लड़कियां हॉस्टल वाली खिड़की के पीछे करना इंतजार याद आए, चुरा के मैं चला। आंखों में चराग जिन मिलाए, मंजिलों की रोशनी दिखाए, धीरे धीरे उम्मीदें जगाए, सबको सबका रसिसा बुलाए, कुछ तो बिंदास है कुछ परेशान है,
कौन स्टार बन जाए अब शुरू हो गया अब शुरू हो गया जिंदगी का सफर आ रा 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 मैं दीवाना मैं हमारा सबका दिल चुरा के मैं चला ये लो माँ। Hey, I graduated. Congrats भैया। खुश रहो। माँ, ये कहाँ जाने की तैयारी? मत बताना माँ, तुम ही सोचो। वाराणसी। नहीं। वैष्णो देवी। बिल्कुल नहीं। हाँ। वैसे हमारा ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं जो हमें अपने घर बुलाए ये तो माँ से ही पूछना मैं माँ से ही पूछ रहा हूँ तू ही बीच में बार बार बोलती रहती है फूल माँ आप लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग नहीं हम सब लोग हम सब तुम्हारे दादाजी के यहाँ दादाजी के घर हाँ बेटा इतने सालों बाद उनके यहाँ से चिट्ठी आई है हम सबको गाँव बुलाया है ओके लेकिन कब आज शाम की ट्रेन से रियली भैया दैट्स ग्रेट न्यूज हेलो हम मुंबई से आए हैं आइए 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 थैंक यू सामान अंदर है सामान तो आता ही रहेगा आप लोग पहले अंदर तो चलिए आइए आइए चलो मां आइए 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 मालकिन मालकिन उठिए तो देखिए तो कौन आया है मुंबई वाले आए हैं आइए आइए है ना कौन सी क्लास में हो एट में जीती रहो और तुम अबे जी अब मैंने LLB किया है यानी कि इंजीनियरिंग नहीं वकील मुझे तो पहले ही पता था देखो ना ऐसे हीरे जैसे बच्चों का सुख देख मेरे इंदर के भाग में नहीं लिखा था अरे अरे ये क्या है मालकिन खुद तो जिद करके इन लोगों को यहाँ बुलाया और खुश होने के बजाय खुद ही रो रही है डॉक्टर ने क्या कहा है खूब खुश रहो कहा या नहीं इनको इनका कमरा दिखा हाँ आइए चलिए जाओ बेटे नमस्ते बहू वैसे तो ये सारा घर ही तुम्हारा है खुश रहो काश के इंदर के रहते मिलती तो तुझे कुछ और ही आशीर्वाद दे पाती मैं लेकिन जैसे भगवान की मर्जी थक गए होंगे ना सफर में जी अरे कितना लंबा सफर है कोई बात नहीं अब आराम कीजिए सुबह उठते मैं आपको बढ़िया सा नाश्ता खिलाऊंगा अरे ऐसा नाश्ता खिलाऊंगा कि
वो भी रखो। वो आपके दादाजी अभी भी नींद से जागे हैं ना, इसलिए वो थोड़े से सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आप लोग अब आराम कीजिए। अब हम यहां नहीं रहेंगे माँ, सुबह होते ही लौट जाएंगे। अभय माँ, घर बुला के बेइज्जत करने का क्या मतलब? इन्होंने हमें प्यार की वजह से नहीं बुलाया, अपनी बीमार पत्नी का दिल रखने के लिए बुला भेजा है। उनकी बीमार पत्नी तुम्हारी दादी हैं, और वो तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता के पिता। सो व्हाट माँ, हमारे पास किस बात की कमी है? बहुत बड़ी कमी है अभय, हमारे सर पर बुजुर्गों का साया नहीं है बेटा। माँ अभय, जब तक तुम्हारे पिता जिंदा रहे, वो हमेशा इसी कोशिश में रहे कि किसी भी तरह तुम्हारे दादाजी का गुस्सा शांत करें, तुम्हें उनके करीब ले आए। लेकिन बेटा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम अब किसी भी तरह अपने डैडी की अधूरी इच्छा पूरी करो बेटा। देखो बेटा, बड़ों के सामने झुकने से कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि बड़ों की नाराजगी जो है ना, वो सिर्फ सतह पर होती है, भीतर की गहराई में तो बहुत सारा प्यार होता है। हाँ भैया, दादी मां ने जब मेरा हाथ छुआ था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और तुम्हारी आंखें भी तो भर आई थी ना। चल चल, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बोल रही है तू। क्या मशीन है, ना साबुन, ना बुरुस, ना ब्लेड, ना पानी। आपके पोते जी जब बंबई वापस जाएंगे ना, तब उनको बोल देना ये मशीन मुझे दे जाए, उस मशीन से मैं आपकी दाढ़ी वही वही। क्या कर रहा है तू, काम की तरफ ध्यान दे। माफ करना माफ करना। कौन है ये सुबह सुबह आवाज कर रहा है? मर गया मर गया। आई बच गया, टेबल की घड़ी थी, दीवार की घड़ी नहीं थी। लगता है 5 दिन से ना ही नहीं है, जो इतना टाइम लगा रही है। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में। क्यों क्यों? ओ यहाँ और बाथरूम नहीं है? है ना, घर के भीतर में। ओके सी अप। वहाँ लेडीज ही नहाती है। लेकिन तुम तो बच्चे लोग हो, तुम बाहर भी नहा सकते हो, है ना? ओ, कोई लेडीज ने देख लिया तो। ये बच्चे तो बहुत तेज है। क्या कर रही है तू? ये तो मामला गड़बड़ है। अंदर वाला बाहर आएगा 5 मिनट। 1, 2, 3, 4 यानी 20 मिनट। लाइफ ना हो तो ऐसी। किड्स, जब तक अंदर वाला बाहर आता है, क्यों ना हमें खेल खेले? खेल? Yes, रेलगाड़ी। Come on, about turn. रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक, बीच वाले स्टेशन बोले, रुक रुक रुक, रुक रुक रुक, रुक रुक रुक, रुक रुक रुक, रुक। क्या हुआ? क्यों रुक गए? स्टेशन आ गया, खेल खत्म। फाउल फाउल फाउल, सबसे आगे मैं था। ओके, तुम सब जीत गए, मैं हार गया। वो क्या है उधर? बाथरूम है। तो पहले क्यों नहीं बताया? उसमें कुंडी नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं गाना गाकर काम चला लूंगा। ला 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 जा पा पा। डेढ़ घंटे से क्या कर रही थी बाथरूम में? डेढ़ घंटे थोड़ी ना थी बाथरूम में। फाउल फाउल कहे रहे कितना भी हम। दोबारा मैं तुझे बताता हूँ, ये ब्रेथलेस की स्टाइल में सांस लिए बिना कौन गा रहा है? वही दीदी, मुंबई वाला। पा पा पा, ठोकर में है ये आके मुझे छेड़ जाए। सुंदरी तुम उसमें मत।
क्यों चीख रहे हो? चीख तो उधर से आएगी। क्या हुआ सुंदरी? सुंदरी देखा उस मुंबई वाले का मुखड़ा? मुखड़े के अलावा और सब कुछ देखा। उसके चेहरे पे तो साबुन लगा हुआ था। आ रहा है वो मुंबई वाला। क्या करूं, हाय कुछ कुछ होता है। हाय बड़ी बुआ, दाल पीस रही हैं? बड़ी नहीं, मैं छोटी बुआ हूँ। सॉरी, पहली बार मिले हैं ना, इसलिए कंफ्यूज्ड हूँ। अरे अरे, तुम क्यों अपना हाथ खराब कर रहे हो? अरे इसमें हाथ खराब करने की क्या बात है, अपना ही घर है। वैसे भी मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। आपको पता है, दरअसल मेरा आइडिया होटल खोलने का था। ये वकील तो मैं यूं ही धोखे से बन गया। छोटी बुआ, एक बात बताइए, घर में मिक्सर ग्राइंडर होते हुए भी आप सिलबट्टे पर दाल क्यों पीस रहे? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दादाजी सिर्फ इस पर पिसी हुई दाल के ही वड़े पसंद करते हैं। ओ। आउच। ओ, दब गई क्या उंगली? इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। छोटी बुआ, मुझे इतनी सी चोट लगी और आप इतना घबरा गई। जब दिल में इतना प्यार है तो कल रात आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? कोई भी तुमसे बात नहीं कर रहा था, इसलिए मैं भी चुपचाप रह गई। पिट्टे पिस गई ना? ना? हाँ, अभी लाई। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं लेकर जाता हूँ। आहा, इतनी अच्छी खुशबू उसने वड़ों की तो नहीं हो सकती। इसमें जरूर आपकी उंगलियों की खुशबू भी शामिल है। अब है, यहाँ रखूं? बुआ जी के तो बड़े सुंदर बाल हैं। बड़ी बुआ, क्या फूफा जी बहुत पुराने ख्यालों के हैं? नहीं तो क्यों? नहीं, ये जो एक चोटी बना रखी है आपने, आपके फेस कट के हिसाब से तो दो चोटियां आपको बहुत सूट करेंगी। हाँ, बड़ी अच्छी लगूंगी ना इस उम्र में दो चोटियां बना के। अजी उम्र का चोटियों से क्या मतलब? इतने खूबसूरत बाल जो हैं आपके, जरा घूमिए तो, मैं बनाकर देता हूँ दो चोटियां। तुम बनाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरा घूमिए तो। असल में तो मेरा आइडिया हेयर स्टाइलिस्ट बनने का था, ये वकील तो मैं यूं ही धोखे से बन गया। क्या बाल हैं आपके, लेकिन कभी कभी शैम्पू के अलावा शिकाकाई से भी धोया कीजिएगा, बिल्कुल रेशम हो जाएंगे। आसानी से मिलता है, मैं ला कर दूंगा आपको। अब फूफा जी देखेंगे ना तो बस देखते ही रह जाएंगे। हाँ हाँ सच। Can I have a dance? Thank you. अब यही है साल रखना। अच्छा, तो ये वड़े बन रहे तुम्हारे? हाय राम, अब इन्हें चोटियां बनाने में सब भुला दिया। हाँ, बहुत नन्नी मुन्नी हो ना, दो चोटियां लटका के घूमने के लिए। ऐसा भी अभी नहीं कहा था। हाँ, ये कोई उम्र है दो चोटियां रखने की? पर बड़ी बुआ मानी ही नहीं, बोली इतने खूबसूरत बाल हैं रेशम जैसे, तो मैंने ऐसा मैंने कहा था। हाँ, चलो मैंने कहा बस, लेकिन चाची ये कोई झगड़ने की बात है? अच्छा जले भुने जैसे भी हो, बाहर ले आओ, बच्चे भूखे बैठे हैं। सच बताऊं बड़ी बुआ, बड़ी उम्र वालों को कम उम्र वालों की उम्र और कम होते देखकर जलन होती है। एक बात बताऊं, बिल्कुल ऐश्वर्या राय लग रही हैं आप। अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। बिल्कुल नहीं आएंगी, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट है, तभी तो मेरी आपकी जमेगी। अब भाई सॉरी सॉरी। हे, क्या हो रहा है?
पूजा के लिए फूल ले रही थी। पूजा? कौन पूजा? कौन नहीं, भगवान की पूजा के लिए। वो हमारे बम्बई में तो फूल वाला घर पे ही फूल ले आता है। हमारी मुंबई? ओ, कितने में खरीदे तुमने मुंबई? मेरा मतलब वो नहीं है। देखो, ये अपनी मुंबई का रुबाब इधर नहीं दिखाना। क्या इस घर में मेरा हुक्म चलता है? मेरा, मेरी इजाजत के बिना फूल तो क्या कोई एक पत्ती भी नहीं तोड़ सकता। क्या समझी? हाँ। और वो तुम्हारे भैया कहाँ मुंह छुपाए बैठे, नजर ही नहीं आते। पलट के तो देखो, नाक के आगे ही नजर आएंगे। रह गई ना अटक के। क्या है कि अपनी सूरत ही कुछ ऐसी है, गोबर के कंडे जैसी। Come on guys, follow me. चलो चलो। Not you. Kids follow me. left, right. जरा रुबाब तो देखो इसका, जैसे इसके बाप का घर हो। उसके बाप का नहीं, तेरे और मेरे बाप का है। न जाने क्या समझती है अपने आप को, ये कौन है? डैडी के किसी दोस्त की लड़की है, बचपन से यहाँ आती जाती रही है तो दादाजी की लाडली बन गई है। तुम देखो मैं इसे कैसा सीधा करता हूँ। डोंट वरी। खबरदार, तुम में से कोई भी उसकी तरफ नहीं जाएगा। अपनी पार्टी अलग, उसकी अलग। ये भी कोई कहने की बात है दीदी? हम जिएंगे तो आपके साथ, मरेंगे तो आपके साथ। आखिर आप कैप्टन है हमारी। गुड। ओके, चलो तुम लोग सब फीलिंग करो और तुम बोलेंगे। क्यों बच्चों, गिली डंडा चल रहा है? नहीं, क्रिकेट में क्रिकेट और गिली डंडा में फर्क नहीं मालूम। बिना अंपायर के तो गिली डंडा ही हो सकता है। और जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, इंटरनेशनल गेम है, उसके कुछ रूल्स हैं। बहुत जानकारी है तुम्हें क्रिकेट के बारे में। असल में तो आइडिया क्रिकेटर बनने का था, ये वकील तो मैं यूं ही धोखे से बन गया। ये बताओ तुम्हारे यहाँ केबल टीवी है? अभी अभी हमारे मैच का लाइव टेलीकास्ट हुआ था, सचिन भी था साथ में, सचिन तेंदुलकर। चौके तो सिर्फ तुमने ही लगाए होंगे। कुछ सिक्सेस भी लगाए थे, बट नो सिंगल्स। देखो ये वही अपनी मुंबई में जाके फेंकना, यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं फेंकता। बॉल फेंको आजाद। देखता हूँ कितने सिक्सेस मारती है। चला, बॉलिंग अच्छी। चलो अब देखते हैं लेडीज क्रिकेट कैसे खेलती है। कम ऑन। चॉकलेट? ये! यस यस यस, रिलैक्स रिलैक्स। शर्म नहीं आती है? रिश्वत देते हो? ये रिश्वत नहीं है दीदी, ये तो चॉकलेट है। मुझे और दो, और दो, और दो। यस यस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बट अब मुझे भी खेलने दोगे? खेलना क्या, इसी तरह तुम चॉकलेट दो, हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे। थैंक यू। अरे अभी तो तुमने मुझे कैप्टन बनाया था। जाओ तुम्हें एम्पायर बना देंगे। गुड। चार चॉकलेट के लिए तुम लोगों ने अपना ईमान बेच दिया। जाओ मैंने खेली तुम्हारे साथ। जाओ तुम। है? अरे ये तो रुट के जा रही है, क्या नाम है उसका? मंगला। हाँ, कुछ जंगला जैसा सुनाई देता है, एक बार बोल के देखो। जंगला मंगला, जंगला मंगला, जंगला मंगला। अरे कल मुहे, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। एक चम्मच शक्कर उधार के ये पूरा डिब्बा लेकर आती है और हमारी पे हुक्म चलाती है। अरे भौजी, थोड़ी सी चीनी ले लो भौजी। थोड़ी सी? हाँ। अंदर जाके ले ले। अच्छा, डब्बा भर के ले लेना हमेशा की तरह। वही तो। दादी। हाँ। ये कैसा नाम रखा है आप लोगों ने मेरा? क्यों, क्या हुआ? आज के जमाने में इतना पुराना नाम कोई रखता है? मंगला। देख, दरअसल ये तो मेरा नाम है, तेरे माता पिता मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मेरा नाम तुझे दे दिया। वाह वाह वाह, क्या ये अच्छा लगेगा, डॉक्टर मंगला जय कुमार सोलंकी MBBS। ना बोलने में ठीक, ना सुनने में ठीक। चलो मेरे माँ बाप को अक्कल नहीं थी, पर आपके माँ बाप को इससे अच्छा और कोई नाम नहीं मिला? चुप, अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बात नहीं करते।
और सुन, मेरे स्वर्ग के माता पिता के बारे में तो बिल्कुल भी मत करना। हाँ वो देखो ना, वो अभय का बच्चा सबको अपनी तरफ मिला के मुझे चिढ़ा रहा है। मंगला जंगला हाय हाय, तो हो गई छेड़छाड़ शुरू। अब यही आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। कांता, अरे यही तो होवे है फिल्म में। और भौजी, आप जो कहती है ना कि इस लड़की से घर में रौनक है, अरे इसे तो घर से विदा करने का जी ही नहीं करेगा आपका। सोबे कहू, अपने पोते से ही फेरे फिरवा लो, घर की घर में बनी रहेगी छोरी। गोबर के कंडे जैसी तो शक्ल है उसकी, तू ही कर ले उससे ब्याह। अरे फट करके कर लेती, लेकिन क्या करूं, मेरा मर्द है बड़ा जल्लाद, काट के फेंक देगा मुझे। वाओ, सिक्स। आखिर मारा किसने? वाओ, व्हाट अ फाइन शॉट भैया। अरे बॉल तो उस घर में चले गई, अब हम कैसे खेलेंगे? बॉल कौन लेके आएगा भैया? ओह, मैं लाऊंगा। पॉल आ गई थी आपके यहाँ। मैं विष्णु प्रताप जी का पोता हूँ, मुंबई से आया हूँ। यानी तुम इंद्र के बेटे हो? जी। आई एम सॉरी, बिना पूछे अंदर चला आया, शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, मैं जाता हूं। हाथ छोड़िए ताऊ जी। रुद्र, अपना दिमाग ठंडा रखो, इतनी गर्मी खाने की जरूरत नहीं है। रामनवमी को नदी पार के मंदिर में उत्सव होगा यजमान, तो मैं ये कह रहा था उस दिन आप सह परिवार वहां जाकर पुजारी को वस्त्रादि भेंट करके आप वापस आ जाइए, और आने के बाद अपना षष्ठी पूर्ति मना लीजिए। उसके बाद फिर पंचमी का दिन तो बहुत शुभ निकलता है, उस दिन आप इनके विवाह की रस्म पूरी कर लें। मतलब 12 दिन के बाद? जी। क्यों बेटे, तुम्हें कोई दिक्कत है 12 दिन के बाद? नहीं बाबूजी, दिक्कत तो कोई नहीं है, बीच में एक जरूरी काम के लिए शायद शहर जाना पड़ेगा, इसलिए। खैर कोई बात नहीं, पंडित जी आप पत्रिका तो लिखिए। अच्छा जजमान, मैं शुभ घड़ी देखकर लिख देता हूँ। ठीक है, पंडित जी को 101 रुपया दक्षिणा दे देना। जी बाबूजी। ओ, मेरे पास तो सिर्फ 500 की नोट है। मेरे पास भी छुट्टी नहीं। मेरे पास है, ये लीजिए। लाओ। जय श्रीपाल, पंडित जी को 501 रुपए देना। शादी की तारीख पक्की हो चुकी है। नानी माँ, आपकी शादी अब हो रही है, मेरी माँ की शादी तो कब की हो गई? माँ की शादी तो मेरे पैदा होने से पहले ही हो चुकी है। ये दादाजी की षष्ठी पूर्ति की शादी है, उनकी 60वीं है ना? 60वीं? तो बाकी के 59 नानियाँ कहाँ हैं? ये क्या हो रहा है मिस्टर? आजकल जिसे देखो डॉक्टर बना फिरता है। चुप कर, मैं नहीं कहा था ऐसे मलहम लगाने के लिए, बहुत दर्द था मेरे पाँव में। थैंक यू दादी माँ। दवा लो दादिया, उम्र की वजह से है ये दर्द। अच्छा, उम्र तो इस दूसरे पैर की भी उतनी ही है, ये बताओ इसमें दर्द क्यों नहीं है? डॉक्टर मंगला जंगला 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 जंगला। मैंने तो सिर्फ जंगला कहा, जंगला तो नहीं कहा। अभय, तू इस बेचारी को क्यों सताता रहता है? हाँ? किस बेचारी को माँ? मंगला को और किसको? माँ कोई बेचारी बेचारी नहीं है, वो बहुत चालू है। दीपा, ओके माँ, अगर तू कहती है तो अभी जाके सॉरी। रहने दे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, भाई काम लिपट जाएगा। अरे सुन तो अभय,
राम सदे मार दो मत मुझे नहीं रुक रहा मैं रुक रहा मैं रुक रहा मैं ये छोड़ दो मुझे छोड़ मार डालूंगा सर राम सदे को छोड़ दीजिए चलो मुझे अरे उसकी लाठी छूट गई थी माफी मांग रहा था आपसे फिर भी आप उसे मारे जा रहे थे क्या हो गया आपको छोड़ो मुझे इंद्र प्रताप का बेटा गांव आया हुआ है मैं तो उसी दिन मार डालता लेकिन ताऊजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया अब भले ही मुझे छुप कर वार करना पड़े जब तक उसे नहीं मार डालता मुझे चैन नहीं मिलेगा बंद करो किसकी आवाज में दिमाग खराब हो रहा है अच्छा हुआ दीदी आपने बता दिया आपको दिमाग शट अप हाय किड्स बैलगाड़ी में बैठकर पिक्चर देखने जा रहे हो ओके गांव में आए हो तो बैलगाड़ी में भी बैठना चाहिए यू आर राइट वैसे ये ट्रैक्टर भी गांव की सवारी है ना हाँ भैया अच्छा बारह का शो देखने जा रहे हो या तीन का बारह के शो में भैया लेकिन इस स्पीड से तो छह बजे वाले शो में भी नहीं पहुंचोगे जिनको बारह का शो देखना है वो मेरे साथ आ जाए बाय अभी एक की सवारी और है मैं बेशर्मों के साथ नहीं जाती लेकिन मैं जाता हूँ ना क्या दीदी क्यों देरी लगा रही हो पिक्चर छूट जाएगी जल्दी आओ ना दीदी आ गई ट्रैक्टर में बैठने के लिए इतना भाव खा रही अब क्या हुआ ओए ये गलत फहमी में मत रहना मैं ट्रैक्टर पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ये मेरे दादाजी का है ठीक है मैंने कब कहा तुम्हारे पति का है मेरा पति ट्रैक्टर नहीं चलाता तो क्या लॉरी चलाता है अरे चुप ऐसा मत बोलो इस वक्त ड्राइविंग सीट पर मैं बैठा हूँ ऐसा लगेगा जैसे मैं इनका तुम और मेरे पति अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारी चाय में जहर डाल के तुम्हें मार देती और अगर तुम मेरी बीवी होती तो वो चाय में खुशी से पी लेता बच्चों होल्ड ऑन मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ जैसे ये ट्रैक्टर दादाजी का है वैसे ही मैं भी उन्हीं का तुम मुझे पकड़ सकती हो कोई कुछ नहीं सोचेगा पकड़ लो मुझे कोई दूसरा ढूंढ लो ओके छोड़ना चुप ये नकली है ना इंजन बंद कर दो भैया जंगली हाथी हैं बिगड़ गए तो रौंद के रख देंगे तेजा कहाँ है कौन तेजा तेरा बाप धक्का क्यों दे रहे हो ये मेरा है तो फिर मैं हाथ कहाँ रखूं उस तरफ दूसरा है ना ये हाथ उस तरफ रखूं तो मेरे कंधे पर रखो सुनिए जी क्या हुआ पीछे वाला लड़का मुझे टांग मार रहा है अच्छा सीधी तरह बैठ नहीं तो तेरी टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगा उसे किया तो मुझे बताना ठीक है तुम यहाँ बैठो ना कार्तिक मेरी सीट पर आ जाओ जी भैया ओ हीरो बगीचे में घूम रहा है क्या ए लाल टोपी जल्दी नीचे बैठ Hmm.
हाय हाय क्या नाम है आपका? शकीला. शकीला कितना अच्छा नाम है. इस लड़की का नाम पता है? मंगला जंगला. उससे मेरा नाम नहीं पूछा. अरे तो क्या हुआ? कहाँ की रहने वाली हो? मुंबई की. मुंबई? अरे मैं भी मुंबई का रहने वाला हूँ. ये बेचारी गांव की है, बहरिया खेड़ा की. उसने ये नहीं पूछा. तो क्या हुआ, अब किसी गांव से निकलकर शहर में रहने लगी है? शट अप. अंग्रेजी भी बोलने लगी है. वैसे मुंबई में कहाँ रहती हो? कमाटीपुरा, रेड लाइट एरिया. क्या? कब आओगे मुझसे मिलने कमाटीपुरा? अब जो कितना भी फनी नहीं था. लेकिन तुमने जवाब ही नहीं दिया, कब जाओगे मिलने? मैं आइसक्रीम नहीं चॉकलेट खाऊंगा. यहाँ चॉकलेट नहीं मिलती. मुंह बंद करो और आइसक्रीम खाओ. क्या दीदी, मुंह बंद करूंगा तो खाऊंगा कैसे? मैं दूंगा चॉकलेट तुम्हें, ये कंघी दो मुझे. ये लो भैया. तू मंत्र काली, तेरा वचन न जाए खाली. एब्रकडैब्रा, ओम शैम बैम वैम, शकलक प्लक डक. फाइव स्टार. वाह, थैंक यू. अबे भैया ये कैसे? मैजिक. मैजिक? चॉकलेट तो तुम जेब में लिए घूमते हो रिश्वत देने के लिए. तो क्या यकीन नहीं होता तुम्हें? डाउट है. ओके अपनी कोई चीज दो मुझे. ये ब्रेसलेट दो मुझे. क्यों? क्योंकि मैं इसे लड्डू बनाकर दिखाऊंगा. लड्डू? जी हाँ. ठीक है ये लो. छू मंत्र काली, तेरा वचन न जाए खाली. एब्रडोम शकल कबलक. तुम सबके लिए फ्रेश फ्रेश बूंदी. मुझे भी दो. तुम भी लो, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ. वाह भैया, ये टेस्ट में भी एकदम लड्डू जैसा है. और खाएंगे भैया, जरा अंगूठी देना दीदी. शट अप. ये चालाकी मैं खूब समझती हूँ. चलो मेरा ब्रेसलेट वापस करो. ब्रेसलेट? वो तो लड्डू बन गया और सबने खा भी लिया. ब्रेसलेट बिकम्स लड्डू, लड्डू बिकम्स ब्रेसलेट. इट्स ऑल वन एंड द सेम. बाय. हाँ जी आपके लड्डू. अरे मैंने तो तुम्हें चार लाने को कहा था, तू तीन ही लाया. ए? मुझे तो पहले ही पता था. ए, घर आ गया. क्या हुआ? ओके. यहां सर रख के सोने का क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि जब इंसान थका हुआ तो खाद के बोरे पर भी सर रखकर सो सकता है. ओह, गुड नाइट. गुड नाइट. अब है? हाय. ये मंगला का ब्रेसलेट है ना? हाँ वो नीचे पड़ा मिला था. मंगला तो कह रही थी कि जादू दिखाने के बहाने से तुमने उससे ले लिया. हाँ, हाँ वो ऐसे ही, यू नो. तुम मंगला को चाहने लगे हो ना? अरे माँ भी. देखो अब है, तुम्हारे दादाजी पहले हमसे बेटा बहुत नाराज है. माँ अब अगर उनको इस बात का पता चल गया ना तो बेटा अच्छा नहीं होगा. लेकिन सुना है वो अपने करीब के रिश्तेदारों में ही मंगला के लिए लड़का देख रहे हैं. माँ
हमसे करीबी रिश्तेदार उनका और कौन हो सकता है? हेलो हाय मिठाई अरे पहले बताना था हैप्पी बर्थडे बर्थडे नहीं है मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस चाहिए ब्रेसलेट कैसा ब्रेसलेट जो कल तुमने जादू के बहाने ले लिया था वो ब्रेसलेट मैडम वो कोई बहाना नहीं था तुम्हारे सामने ही तो मैंने ब्रेसलेट का लड्डू बनाया था तुमने खाया भी था मीठा था ना हाँ मीठा था अब मैं तुम्हें लड्डू दे रही हूँ मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस कर दो इस लड्डू से ब्रेसलेट नहीं बन सकता ब्रेसलेट बिकम्स लड्डू लड्डू बिकम्स ब्रेसलेट ठीक है उसी दुकान से लड्डू मंगवा कर देती हूँ ऐसा कोई लड्डू नहीं चलेगा वही जो तुमने खाया था वही चाहिए उसी से बनेगा ना ब्रेसलेट ब्रेसलेट बिकम्स लड्डू लड्डू बिकम्स ब्रेसलेट ओके हे भगवान मुझे इससे बचाओ ये जवानी है ना 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 गुड मॉर्निंग ये पैंट शर्ट प्लीज फटाफट इस्त्री कर देना इतना बलखाने की जरूरत नहीं वो फिर उधर गया किधर उसी बिना कुंडी वाले बाथरूम में तुम भी जाओ ना हा, 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 हा। ए पैंट तो दे दी जाओ आज फ्री शो दिखाती हूँ तुम भी क्या याद करोगे सपनों में रोज आना सनम सुनो तुम्हारे पैन फटी है आज मैं तेल लेने के लिए आई हूँ पतलून फटी है अरे पतलून फटी है पतलून फटी है मैं जो कह रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है क्या समझ में आ रहा है बोलिए तो अरे बाबा पतलून फटी है पतलून फटी है पतलून फटी है क्या कह रही थी आप क्या कह रही थी आप क्या कह रही थी आप पागल हो गए सब अरे पतलून फटी है पतलून फटी है फटी हुई है देखो देखो Yes! तत्पश्चात हनुमान जी भगवान श्री राम जी की अंगूठी लेकर माता सीता के सम्मुख पहुँच कर कहते हैं मंगला जी तुमने दवाई ले ली जी के माते खाने से पहले ले ली या खाने के बाद ले ली अरे बाबा खाने के बाद ली ले ली गुड गर्ल मंगला अरे बदमाश मुझे नाम से पुकारता है सॉरी दादी माँ लेकिन बिल्कुल दादा की आवाज लगी ना बिल्कुल मंगला जी तुमने दवा ले ली जी ले ली खाने से पहले या खाने के बाद क्या हुआ उसने भी बिल्कुल ऐसे ही पूछा उसने किसने
वो वहां बाय ये क्या है मंगला तुमने अभय की जींस क्यों जला दी दादू पहले उसी ने मुझे सताया था तो क्या हुआ हक बनता है उसका वो इस घर का असल पोता है जबकि तुम सिर्फ मेरी एक मुंह बोली पोती हो तुम नहीं जानते कितने बड़े बड़े घर के रिश्ते आ रहे उसके लिए कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुख दुख सदा मिलके सहे कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुख दुख सदा मिलके सहे एक दूजे को इतना प्यार दे ये सांसे ये जीवन वार देना कभी हो जुदा उम्र भर साथ में हम रहे कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुख दुख सदा मिलके सहे सच के रास्ते ना कभी हो जुदा उम्र भर साथ में हम रहे कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुख दुख सदा मिलके सहे
जो अपने ख्वाब थे वो पूरे हो गए, खुशी के रंग में आज हम खो गए। कोई आंखों से दिल में आ गया, खुशबुओं से मन महक आ गया, ना कभी हो जुदा, उम्र भर साथ में हम रहे। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, सुख दुख सदा मिलके सहें। How sweet. They are sweet. क्या फोटो आया है? Photos? मुझे भी दिखाओ ना। Sure. You? नहीं, कब डाल किसको दिखाया तुमने? देखो मुझे फोटो वापस दे दो। अबे प्लीज, ये ठीक नहीं होगा। अबे, अरे अरे कहाँ जा रहे तू? Stop it, अबे प्लीज अंदर मत जाना। अबे कहाँ जा रहे तू? अरे बैठूंगी, अरे लग जाएगी, आपको दिखाओगे क्या तुम? अबे प्लीज यार, फोटो वापस दे दो, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। अरे वाह, ये देखो बाबूजी की फोटो कितनी अच्छी आई है, और ये तुम्हारी भी वड़ा खाते हुए। हाँ, और मेरे पास तुम्हारी तस्वीर भी है आटा खाते हुए। मैं आटा नहीं खा रही थी, नमक चख रही थी। पुराना बाल है तुम्हारा। ये देखो दादी माँ की फोटो कितनी सुंदर लग रही है। मगर तुम तो बहुत अच्छे फोटोग्राफर निकले। सच? हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रहे हैं। सच में अच्छी है। लाइए अब मुझे दे दीजिए। क्यों अभय, ये फोटोग्राफ हमें देने के लिए निकाली है? नहीं, इन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। दीपा और मैंने कभी महसूस नहीं किया है परिवार होने का हिस्सा क्या होता है। दादा और दादी का प्यार, बुआ का प्यार भरा मजाक, और दादी मां के हाथों से खिलाया हुआ निवाला। ये पिछला हफ्ता एक सपने के जैसे रहा है, जिसे मैं कभी भुलाना नहीं चाहता। षष्ठी पूर्ति होते ही हम सब चले जाएंगे, और मुझे पता है आप हमें फिर कभी नहीं बुलाएंगे, इसलिए मैं आप सबको अपने साथ ले जाना चाहता हूं। जब मैं अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ूंगा तो सबसे पहले मैं दादा और दादी की तस्वीर के सामने जाऊंगा और हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगूंगा, और वो मुझे आशीर्वाद दे देंगे। जब मेरी बहन की शादी तय होगी तो मैं आप सबको कार्ड भेजूंगा, लेकिन आप में से कोई भी नहीं आएगा, ना दादी माँ, ना दादाजी, ना आंटी, ना अंकल, कोई भी नहीं। दुख तो होगा मुझे, पर मुझे पूरा विश्वास है आप सब उसे तस्वीर से ही आशीर्वाद दे देंगे। अरे आप सब इतने सीरियस क्यों हो गए? मैं आपको एक सुपर फोटोग्राफ दिखाता हूं। बेटी, ये इंद्र की चेन है, इसे तुम पहन लो। नहीं दादी माँ, दादाजी को शायद अच्छा न लगे, मगर हाँ किसी दिन अगर वो खुद अपनी खुशी से मुझे पहनाएंगे मैं इसे जरूर पहनूंगा। मालिक,
मुझे भी उठाओ ना। नहीं मुझे कल, पहले कल 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 प्रॉमिस। हाय बहुत अच्छी लग रही है उस ड्रेस में। थैंक यू। वैसे तो ये ड्रेस सुंदरी पर ज्यादा जचेगी। साइकिल वाइकिल चलाना आता है या सिखाना पड़ेगा? एक्सक्यूज मी, मैं साइकिलिंग चैंपियन हूँ और मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ। मेरे भैया भी रनिंग रेस में फर्स्ट आते हैं। हमारी दीदी तो नंबर वन है। मेरे भैया भी नंबर वन है। अभी पता चल जाएगा कि नंबर वन कौन है। हाँ? जो भी मंदिर वाले तालाब से कमल का फूल तोड़ के लाएगा वही नंबर वन कहलाएगा। मंजूर है? मंजूर है। हाँ? अरे मुझसे कोई पूछेगा? मैं लड़कियों के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करता। क्यों, घबरा गए जो बहाने बना रहे हो? हाँ। इज्जत का सवाल है भैया। ओके ऑल द बेस्ट दीदी। थैंक यू। गुड लक। 1, 2, 3। अरे दीदी तो निकल गई। डोंट वरी, यहीं लौट कर आ जाएगी। भैया जल्दी उठो वरना हम बैठ हार जाएंगे। भैया उठो। ओके ओके ओके। शायद हारने के डर से वहीं रह गया। हेलो जंगला मंगला। हाँ? रुक क्यों गई? जाओ। बाय द वे थैंक्स। वो किस लिए? क्योंकि दादी माँ ने कई तरह की सब्जियाँ असली घी में बनाकर मेरा वेट बढ़ा दिया है। अब तुम्हारे इस चैलेंज से कम 2 किलो वेट घट जाएगा। तुम्हारा वेट क्या है? 50। तुम्हारे सर का नहीं, तुम्हारे बॉडी का वेट पूछा है। अब पता चला मेरा वेट। अरे रे रे रे, बेचारी का हैंडल टेढ़ा हो गया। चोट मुझे लगी है। प्लीज। या ये नहीं, हेल्प मी। साइकिल तो उठानी होगी ना। उठो। साइकिल चला पाओगी? ठीक है तुम सामने बैठो, मैं चलाता हूं। मुझे तो पहले ही पता था। आए हाय हाय, इतनी जल्दी साइकिल पर बिठा लिया। लगता है जल्दी ही शादी की मिठाई खिलाओगी। ए तू जाना अपना काम कर, बकवास करती है बिना वजह। अरे रहने दो रहने दो, जो पहले बहुत झगड़ते हैं ना बाद में वही प्यार में पड़ते हैं। ये मैं नहीं सारी दुनिया कहती है। जा जा। मंगला जी, दीदी के हाथों में फूल है यानी कि दीदी जीत गई। नेवर, मेरे भैया मंगला से कभी हार नहीं सकते। बोलो ना क्या हुआ भैया? मैं हार गया। हाँ मैं मंगला से हार गया। मंगला दीदी जीत गई। मंगला दीदी जीत गई। ये झूठी हार जीत समझे बाबू।
आपकी असली हार जीत तब तक नहीं होगी जब तक दादाजी का आशीर्वाद नहीं मिल जाता। सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली, हुआ सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली। उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली, उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली। हुआ सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली। हुआ सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली, हुआ सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली। उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली, हुआ सलाम दिल का, दिल का। जब सी ये चाहत है, ये पहली मोहब्बत है, पूछो न कैसा हाल है। अंधेरों में उजालों में मैं खोई हूँ ख्यालों में, ये तो गजब का साल है। प्यार के दिए जला के मैंने रोशनी, हुआ सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली, हुआ सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली। नजर में बसी है तू, नजरों में छुपी है तू, चेहरा है तेरा हर जगह। जान जाएगी अगर तूने बेरुखी कर ली, जान जाएगी अगर तूने बेरुखी कर ली। हुआ सलाम दिल का मैंने आशिकी कर ली, सलाम दिल का
मैंने आशिकी कर ली उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली अच्छी डॉक्टरी है डॉक्टर साहिबा चोट उस घुटने पर लगी है पर मलम इस पर लगा रही हो डर लग रहा है दुखेगा ना मैं लगा देता हूँ बिल्कुल नहीं दुखेगा प्रॉमिस कोई बदमाशी नहीं करूंगा शराफत से लगाऊंगा प्रॉमिस ओके बाबा बदमाशी करूंगा लाओ ओके दुख तो नहीं रहा है हाँ? अच्छा तुमने जीत कर भी हार क्यों मान ली सच सच बता दूं हाँ? एकदम सच एक तो यूं ही तुम्हारा घुटना छिल गया था ऊपर से मैं सच्ची बात बता देता तो जख्म पे नमक छिड़कना हो जाता ना हाँ, हाँ? यू अच्छी बात है अगर तुम्हारी मुसी को बुला कर पाया कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा नाम भी मंगला नहीं नमस्ते नमस्कार नमस्कार कैसे हैं आप लोग आपकी दया है क्या बात है भाई आज सब लोग यहाँ आने के लिए साथ साथ निकले हैं जी हम आपकी राय लेने आए थे विष्णु प्रताप जी कैसी राय जी हम सब लोग इस बार भी बांध के नीचे मेला लगाने वाले थे माता के मंदिर के आगे क्या पर इंजीनियर साहब की बात सुनकर हम सब लोग डर गए कि बांध की हालत खस्ता है कहीं ऐन वक्त पर टूट टाट गया तो अरे शुभ शुभ बोलिए रस्तोगी जी कैसे बात कर रहे हैं आप माना कि बांध की मरम्मत जल्द से जल्द होनी चाहिए लेकिन ऐसा भी क्या है सबका माता पर भरोसा है ना जी जी बेशक मेला लगवाइए माँ सबको संभाल लेगी आइए बेबी जी आइए बाबूजी, 10 रुपए में 4 बार किस्मत आजमाइए रिंग फेंकिए नेल पॉलिश जीत के लिए आई महबूबा खुश हो जाएगी ये लीजिए भैया नेल पॉलिश प्लीज भैया बोलो ना अपने जादूगर को फिशिक करके बना देगा चॉकलेट देखो बेबी जी जिस चीज पर रिंग डालोगी वो चीज तुम्हारी हो जाएगी जिस चीज पर रिंग डालूंगी क्या वो मेरी हो जाएगी हाँ हाँ बिल्कुल चिड़ी हार गई बैड लक हर चीज पाना इतना आसान नहीं होता यस भैया यू कैन डू इट ये दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा नहीं रे बाबा वाह वाह लक एक्सचेंज कर लो दीदी आप लोग आपस में रिंग बदल लो ओके एक्सक्यूज मी मिस्टर वो इस रिंग की बात कर रहा है क्या भैया अरे भाई रुद्र बाबू आपने वकील को लेकर आए हैं बहुत बवाल मचाऊंगा ये सरासर जाती है वीरेंद्र प्रताप जी जाती वास्ती समझे सरकारी नौकर और तनख्वाह लो चुप बैठो आन के मामले में सरकार को चिट्ठी लेकर होशियारी दिखाने की जरूरत है समझे लेकिन रुद्र बाबू देर सवेर बांध में छेद तो करना ही पड़ेगा बांध में छेद नहीं किया जाएगा इसी बात के लिए तो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए हैं दिखाओ वकील इनको हाँ, वो क्या है अरे समझे स्टे ऑर्डर हम सब मिलके दो दो हाथ लगाएंगे 2 मिनट में बांध में छेद हो जाएगा इन लोगों से बात करना ही बेकार है विष्णु प्रताप जी यूं मनमानी करने के लिए नहीं होता कानून तो क्या इंसानों को पानी के साथ बहा के मार देने के लिए होता है कानून व्हाट डू यू नो अबाउट द कानून यू जस्ट कीप क्वाइट वी हैव दिस स्टे ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट डू यू नो व्हाट ए स्टे ऑर्डर इज You bloody educated, uneducated people. Maybe we don't know about your stay order, but we do know how to get it vacated.
we will send it to be vacated in the open court of law under the writ of manumits. Now, do you know what the writ of manumits is, Mr. Shir Prasad? Yes, it is asking the government to do what it ought to do and not what it ought not to do. Right? Huh? Are you going to explain this to your clients or do you need a warrant of arrest to refrain you from doing your frivolous activities? आप कानून कैसे जानते हैं? मैं एलएलबी ग्रेजुएट हूँ। अरे तुम चुप क्यों हो गए वकील? बात तो उसकी ठीक है। वैसे प्राण हानि का डर बताकर हमारा स्टे ऑर्डर कैंसिल करवा सकता है, बल्कि हम लोगों को जेल भी भिजवा सकता है। वैसे लड़का कानून जानता है। हाँ। कौन हो बाबू? नाम क्या है तुम्हारा? अभेंद्र विष्णु प्रताप सिंह। यानी कि आप विष्णु जी के पोते हो? जी। अरे शेर ही के घर में शेर पैदा होते हैं, दादा का नाम पोता ही रोशन करेगा। अरे बोलो, अभेंद्र विष्णु प्रताप सिंह की जिंदाबाद। अभय बाबू जिंदाबाद। अभय बाबू, अभय बाबू, अभय बाबू, अभय बाबू, अभय बाबू। किसी दिन अगर दादाजी खुद अपनी खुशी से मुझे पहनाएंगे, मैं इसे जरूर पहनूंगा। बेटे, मैं आज ही अपने हाथों से ये चेन तुम्हें पहनाऊंगा। अबे बाबू, आज दादाजी बहुत खुश हुए हैं, ये मौका छोड़ना नहीं। मंगला का हाथ मांग लो उनसे, वरना। ए, बुड्ढा बुड्ढी की शादी रचाने आया था ना, फिर गांव के मामले में क्यों दखल दे रहा? ये मामला अब कोर्ट में है, वहीं इसका फैसला होगा। अबे ओए, इस गांव का कोर्ट भी मैं हूँ, कानून भी मैं हूँ। दो जुमले अंग्रेजी में क्या बोल लिया? अपने आपको गांव का लीडर समझ बैठा है क्या? तू बांध में छेद रुकाएगा? अगर छेद नहीं किया तो बांध फट जाएगा, जाने कितने लोग पानी में बहकर मर जाएंगे। और छेद किया तो लोग पानी में नहीं, खून में बह के मरेंगे, याद रखना। ऐसे कितने लोगों को मार दोगे तुम? हाँ, सबसे पहले तो मैं तेरे खानदान को तबाह करूंगा, उसके बाद तेरे आंखों के सामने तेरे दादा को काट कर मंदिर में बलि चढ़ाऊंगा। अबे बाबू, चल दीजिए, चल दीजिए। अबे बाबू, इसलिए आए हो? एक बार तुम्हारे बाप ने यहां आग लगाई थी जिसमें हमारे दोनों सुखी परिवार झुलस रहे हैं, और आज तुम यहां आए हो उसी आग में घी डालने के लिए। जिस परिवार का प्यार वापस हासिल करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, उसी पर तुम पानी फेर रहे हो। अरे तुम्हारे बाप ने तो हम लोगों को सिर्फ दो टुकड़े में बांटा, लेकिन लगता है तुम तो पूरे गांव के दो टुकड़े करोगे। जाओ तुम, चले जाओ यहां से, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इस गांव से चले जाओ।
पता था मुझे तुम यहीं पर मिलोगे। बहुत दुखी हो ना? दादाजी ने तुम पर हाथ उठा दिया। तुम्हारा ये गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, लेकिन दादाजी का थप्पड़ मारना भी तो वाजिब था। तुम जानते हो ये रुद्र प्रताप कौन है? नहीं। तो फिर ये भी नहीं जानते होंगे कि अपने सामने वाले कोठी में कौन लोग रहते हैं? वो तुम्हारे दादाजी के सगी छोटी बहन का घर है अब है, क्योंकि दादाजी अपनी इकलौती बहन को हमेशा अपनी आंखों के आगे देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त वीरेंद्र प्रताप से अपनी बहन का ब्याह कर दिया। इसके बाद ये दोनों परिवार बस नाम के लिए ही दूर रह गए थे, वरना दादाजी हर शुभ कार्य बहन के हाथों करवाते। जो जेवर कपड़ा अपने पत्नी के लिए लाते, ठीक वैसा ही अपनी बहन के लिए भी खरीदते। उधर वीरेंद्र प्रताप और उनके छोटे भाई नरेंद्र प्रताप तुम्हारे दादाजी की बड़ी इज्जत करते थे। सब लोग यही चाहते थे कि ये रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहे। जब यहाँ वीरेंद्र प्रताप के भाई नरेंद्र प्रताप की बेटी अमृता बड़ी हुई तो उनका ब्याह तुम्हारे पिता इंद्र प्रताप से करना चाहा। वैसे भी उस बेचारी को बचपन से यही समझाया गया था कि इंद्र प्रताप ही उसका होने वाला पति है। अरे इंदु, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो भी बेटे। वीरेंद्र प्रताप, आज तुम इसके मुंह से हाँ करवा ही लो। हैं? देखो इंद्र, नरेंद्र की बेटी अमृता से तुम्हारा ब्याह तो होने ही वाला है। हाँ। अब मेरी शांति बेटी के लिए भी अच्छा रिश्ता आ गया है, तो अब हम चाहते हैं कि दोनों बेटियों का ब्याह एक साथ एक ही मंडप में कर दिया जाए। सही है। क्यों, तुम्हारी क्या राय है? जी मेरा तो ये फाइनल ईयर है तो, और इस साल तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बात तो इंदर की सही है, इसकी इतने सालों की मेहनत हम अपने स्वार्थ के लिए जाया नहीं कर सकते। ठीक है, इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगी शादी। भाई साहब, फिलहाल हम इंद्र प्रताप और अमृता की सगाई करके शांति की शादी कर देते हैं, फिर अगले साल इन्हीं दिनों में इंदर और अमृता की शादी भी हो जाएगी। ठीक है ना भाई साहब? ये भी ठीक है विष्णु। सही है। तो इंदु भाई, सगाई करने में तो तुम्हें कोई इतराज नहीं है ना? क्यों? यही तुम्हारे पिता ने गलती की, उसने एक साल की मोहलत तो मांग ली पर असल बात नहीं बताई कि वो बंबई में तुम्हारी माँ से प्यार करता था। लेकिन वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं, देखते देखते साल गुजर गया और जैसे ही तय था शादी का दिन भी आ पहुंचा। दीदी ये काला टीका लगा लो। आय हाय, कत्ल कर रही हो साली जी आज तो सच्ची। बस भी कीजिए, पता है सब लोग मुझे क्या कह रहे हैं? क्या? शादी को एक साल भी नहीं हुई और इतना बड़ा पेट है। अरे दामाद जी, आपको वो बुला रहे हैं, दूल्हे के यहाँ जोड़ा लेकर जाना है। हाँ, जाता हूँ। साहब साहब, इंदर बाबू अटैची लेके स्टेशन गए हैं, लगता है वो शहर जा रहे हैं। क्या? साहब, इंदर बाबू आपके नाम ये चिट्ठी देकर गए हैं। बाबूजी, मैं अमृता से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मुंबई में एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करने जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
अगर तुम्हारे बेटे का शहर में नैन मटक का चल रहा था तो तुमने अंधेरे में क्यों रखा हमें? वीरेंद्र प्रताप, मुझे इस बात का कुछ पता नहीं था। पता होना चाहिए था, होना चाहिए था पता। पता नहीं था कह देने से मेरे घर की तबाही कब नहीं हो जाती। वीरेंद्र प्रताप, मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं रुद्र, ये क्या कर रहा है रुद्र? छोड़ो इसे। नहीं रुद्र, नहीं छोड़ो, ये लग जाएगी। छोड़ो। एक छोटा बच्चा ऐसी हरकत करता है, आप बड़े होकर रोक नहीं सकते। बड़ा अनर्थ हो गया उस दिन। तुम्हारे पिता की एक भूल की वजह से वीरेंद्र प्रताप का सारा परिवार तहस वहस हो गया। सच पूछो तो दादाजी का दर्द कोई नहीं समझ सकता। आमने सामने रहने के बावजूद वो अपने बहन का हाल तक नहीं पूछ सकते। हाल तो क्या, नजर उठा के उसके घर की तरफ देख नहीं सकते जिसे वो अपना घर समझते थे। इसलिए बेचारे हवन करते हैं, ग्रहों की शांति करने के लिए पूजा पाठ करवाते हैं। जितनी बार वो पूजा में बैठते हैं, भगवान से यही मांगते हैं कि किसी भी तरह से दोनों परिवार एक हो जाए। और उनको उम्मीद भी थी कि वीरेंद्र प्रताप एक ना एक दिन दोस्ती का हाथ जरूर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज जब तुमने रुद्र प्रताप को मारा तो दादाजी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका हाथ तुम पर उठ गया। माँ, अब है कल सुबह होते हम अपने शहर लौट जाएंगे। आज जो सारे गांव के सामने तुम्हारा अपमान हुआ है उसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन माँ। नहीं अब है, इससे पहले जब तुमने वापस जाने के लिए कहा था तो मैंने तुम्हें रोका था। आज मैं तुमसे कह रही हूँ, कल हम मुंबई जा रहे हैं। उस दिन मुझे रोकने के लिए आपने कहा था, बड़ों की नाराजगी सिर्फ सतह पर होती है, भीतर गहराई में ढेर सारा प्यार होता है। आप बिल्कुल सही थी माँ, कल हम वापस नहीं जाएंगे। अब है जी, बड़ी भूल की मैंने जो तुम लोगों को यहां बुला लिया। आज मेरी वजह से तुम्हारा ये अपमान हुआ है बेटे। क्या आप भी दादी माँ, दादाजी के हाथ से मार खाकर अपमान होता है किसी पोते का? सोचो, अगर बचपन से मैं यहां आता रहता तो दादाजी से मुझे प्यार भी खूब मिलता और मार भी खूब मिलती। जब वो खुश होते तो मेरे लिए घोड़ा बनते और जब नाराज तो मुझे मुर्गा बनाते। जो हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि डर तो मुझे यह है कि मुझे मारकर दादाजी के हाथ में दर्द हुआ होगा। अबे ये क्या दादी माँ, दादी माँ उन्होंने मुझे डांट क्या दिया? चले जाओ, निकल जाओ। तो क्या मैं चला जाऊंगा? नहीं, सच तो यह है कि आज मैं बहुत खुश हूं। आज पहली बार दादाजी ने मुझे छुआ तो सही, वो भी सबके सामने। सारे गांव के बीच उन्होंने जता दिया कि मैं उनका पोता हूं। और ये मत भूलिए, इंसान उसी को मारता है जिसे वो चाहता है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। कम ऑन दादी माँ, अब रो मत,
दादी माँ। उनहत्तर, सत्तर, इकहत्तर। सुनिए, नहाने का पानी रख दिया है बाल्टी में। बाल्टी में क्यों? डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी ही काफी था। क्यों बेकार में गुस्सा होते हैं आप? बेकार में? समझाओ अपने भतीजे को, कुछ अकल से भी काम लिया करे। गलती इसकी थी, लेकिन तुम्हारे भाई ने अपने पोते के मुंह पर थप्पड़ मारकर सारे गांव के सामने मेरा सर नीचा कर दिया। बेकार में गुस्सा हो रहा हूं। इस दूध में कुछ अकल की घुट्टी भी मिला दिया करो, कुछ बुद्धि तो चले उसकी। कह देना उससे ऐसी वाहियात हरकतें ना किया करे, समझा देना उसे। 850, 950। हाँ बोलो। जी। ताऊ जी ने उपदेश दो उसे। नहीं जी, आपके लिए दूध लाई हूँ। चलो मेरे साथ। सब भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। मैं नहीं भूला नाक के लपटों को जिन्होंने मेरी दीदी की जान ले ली। मैं नहीं भूला अपने बाप के मौत को। मैं कुछ नहीं भूला। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं अबे बाबू, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तो क्या मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहूं ये सोचकर कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं गोविंदा, नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं इन दोनों परिवारों को फिर से मिलाकर यहां से जाऊंगा, और वो समय अब आ गया है। राम करे ऐसा ही हो जाए। हाँ राम करे। वैसे तो मैं दो दिन के लिए नदी पार रामनवमी के लिए जा रहा हूँ, इस बीच बांध में जरा भी दरार दिखाई दे तो फौरन ऑफिस में खबर करना, समझे? जी बिल्कुल, आप कोई फिक्र ना करें, आप आराम से जाकर आए। चलो हरभजन, आरती से पहले उस पार पहुंचना है। माफ कीजिए मालिक, इंजन में पानी चला गया है, आप उस नाव से चले जाइए। वक्त पे तेरी बोट खराब होती है हमेशा। ओफो, इस नाव से जाएं या उस नाव से, मतलब तो मंदिर पहुंचने से है ना। चलो उस नाव से चलते हैं। संभाल के सुनंदा, हाथ लो। हे भगवान साहब, ये सामान यहाँ रख दूँ या वापस चलना है? वापस क्यों? ये बोट किसी के बाप के थोड़ी है। चल बैठ। मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा अभी देती हूँ। कौन है, कौन है? जहाज में उड़ते हो, इतनी अकल नहीं है? छिलके कहाँ फेंकना चाहिए? ये बेवकूफ कहीं के। अरे कौन है यार? अरे ये तो नीचे से आ रहे हैं। मेरा चश्मा कहाँ है? आए? अरे अपनी आंखों का इलाज करवाओ चतुर्वेदी। ये क्या देख रहा हूँ, वीरेंद्र प्रताप सिंह और विष्णु प्रताप सिंह दोनों एक साथ हैं? यानी रामवरण चतुर्वेदी की भविष्यवाणी झूठी निकली, दोनों का मेल हो गया है? नहीं तो है? आपको नहीं पता? अरे नहीं पता जी। नमस्कार वीरेंद्र प्रताप जी, नमस्कार विष्णु प्रताप जी। अरे मैंने तो पहले ही कहा था आज से 23.5 साल पहले कि आप लोगों के परिवार का मेल अवश्य होगा, लेकिन ये पंडित राधे बोला असंभव, इम्पॉसिबल। चतुर्वेदी जी मेरी सुनिए। राम 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 राम। अरे राम 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 राम। मैंने तो पहले ही कहा था कि विवाह के लिए मुहूर्त बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी और नतीजा ये हुई विधवा। आई एम सो सॉरी। कहिए सुनंदा बहन जी, भाभी जी से मिलकर प्रसन्नता। चतुर्वेदी जी मेरी बात तो सुन। हे भगवान, मैंने कहा था ना कि एक न एक दिन वीरेंद्र प्रताप जी को विष्णु प्रताप जी के चरणों में गिरना ही पड़ेगा, उनसे माफी मांगनी ही पड़ेगी, आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। अब लिया ना आशीर्वाद? चतुर्वेदी जी मेरी बात तो सुन। कहिए क्यों रुद्र बाबू, बड़ी हाँका करते थे,
कि मामा मामी से कभी संबंध नहीं रखूंगा। अब क्या हुआ? अरे माफी मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं, घिसते नहीं। इतने बड़े हो गए लेकिन अकल नहीं आई तुम्हें। अरे झूठ बताने के लिए मैं ही मिला था। उस रुद्र ने मुझे इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि हफ्ते भर तक मेरे दिमाग में घंटियां टन टन आती रहेंगी। अरे इन दोनों खानदान का कभी मेल हो ही नहीं सकता। इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों में भी नहीं हो पाएगा। ये पंडित राम वरण चतुर्वेदी की भविष्यवाणी है, समझे आप? कभी मेल नहीं हो। मिलेंगे कहो तो वो मारता है, नहीं मिलेंगे कहो तो ये मारता है। अरे अच्छे चक्कर में फंसे पंडित रामवरण चतुर्वेदी, एक ही गाल पर दो दो कमबख्त इस गाल पे नहीं मार सकता था। भगवान कुछ ऐसा करो कि अगली रामनवमी पर अभय और मैं पति पत्नी बनकर तुम्हारे दर्शन करने आए। भगवान ऐसा कुछ करो कि दोनों परिवार एक हो जाए, दादाजी मुझे अपना पोता मान ले और मैं उनसे मंगला का हाथ मांग लूं। यूं तो वरवधु ही सबका आशीर्वाद लिया करते हैं, परंतु षष्ठी पूर्ति कर रहे जोड़े के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है, इसलिए उनका आशीर्वाद लीजिए। जीती रहो बेटे, जीती रहो, जीती रहो। पकड़ो पकड़ो। अरे बच्चों तुम लोग यहाँ मत जाना वरना खो जाओगे, फिर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बता चिंटू आज क्या खाएगा, चॉकलेट या आइसक्रीम? आइसक्रीम। ओके चिंटू आंख बंद करके 5 तक गिनो और आइसक्रीम हाथ में आ जाएगा। हाँ भैया जल्दी आना। ओके 5 से पहले आंख नहीं खोलना। ओके हाँ हाँ। 1 2 3 4 5 हाँ? कहाँ चले गए भैया? भैया 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 यस और साहब और बच्चा खो गया है। खो नहीं गया, रो रहा। रा बालक क्यों रो रहा तू? मेरे साथ चौदह लोग खो गए हैं। अच्छा इसके साथ के ना 14 लोग खो गए हैं। अरे सर 14 नहीं, बच्चा खो गया है। ओए क्लेश बच्चा खो गया है। रा बालक 14 में से 2-3 को तो ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। ना ना रो मत ही तू। हंस मत डायनासोर की तरह। बच्चा सांसड़ी बा कोई है फैमिली? ओ बच्चा ले जाओ। फैमिली नहीं है कोई, ओ फैमिली है। ओ बच्चा ले जाओ। हेलो वो फैमिली जो आ रही है ना सामने से, इस बच्चे के रिश्तेदार है। और तैने कैसे पता? पता कैसे नहीं होगा, मैं इसका भाई हूँ। हाँ। जो आ रहे हैं वो इसकी फैमिली है और तू बोल रहा तो उसका भाई है। ओए 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 जय हनुमान। ओए 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 मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? मैं तो बच्चा देख रहा हूँ, सपना तो आप देख रहे हैं। बात बोलने लग गया तू? ये अपने हाथ में रखो। ठहरिए जी। ओ फैमिली जी, ओ जय हनुमान जी, और ये बच्चा पहचानते हो आप? नहीं। ये तो गौरी का बेटा है, मेरे भाई का नाती। हमने कहा ना इस बच्चे को नहीं जानते। पुलिस अंकल, पुलिस अंकल, ये हमारे नाना जी के सामने वाले घर में रहते हैं। भाई साहब गलत बात, फैमिली एक्शन के बीच में है ना, जो है बच्चे का रायता मत बनाओ प्लीज। इस बच्चे को इसकी माँ से मिला दो प्लीज। आजा आजा बेटे। क्या अब भी नाना जी, नानी माँ का दुख जाएगा, आप मुझे गोदी में ले लो ना। लो ना नाना जी, मुझे आपकी गोद में आना है। सुखी
बच्चों चिंटू कहाँ है? अभी तो यहाँ खेल रहा था, तुमने देखा? पता नहीं मम्मी। चिंटू तो फिर कहाँ चला गया? देखो कोई चिंटू चिंटू बेटी देखो कहाँ गया बच्चा? मैंने नहीं देखा। इतनी भीड़ में उसे कहाँ ढूंढेंगे? अरे दादी माँ जरा वहाँ देखो। नाना जी आप अपनी दाढ़ी क्यों नहीं काटते? बहुत बड़ी हो गई है। चिंटू चिंटू बेटा तुमको मना किया था ना? ये तो अच्छा हुआ ये उन लोगों को मिल गया, वरना आज क्या हो जाता। इधर आओ। कहाँ चले गए थे तुम? अबे भैया ने कहा कि आइसक्रीम चाहिए, तो आइसक्रीम चाहिए था तो बोल देता मुझे, मैं बना देता जादू से। चिंटू नॉटी बॉय चिंटू। उधर भगवान से क्या मांगा तुमने? बता दूंगा तो फिर मन्नत पूरी नहीं होगी। होगी क्यों नहीं? वैसे एक तरीका मुझे भी पता है। क्या? अगर तुम नदी में डुबकी लगाओ और पूरे 3 मिनट तक बाहर न निकलो तो तुम्हारी मांग यूं पूरी हो जाएगी। सच? ठीक है। अरे कहाँ जा रहे हो? डुबकी लगाने। अभी मैं तो मजाक कर रही थी, सुनो 3 मिनट में पल्स रेट इतना गिर जाएगा कि हार्ट फेल हो सकता है। तुम अपनी घड़ी देखो। अभी प्लीज अभी सुनो, मांग 2 मिनट में भी पूरी हो सकती है। 3 मिनट अपनी घड़ी देखो। संभालना पानी गहरा है। अबे क्या हो? क्यों रो रही हो? जान निकाल के रखती तुमने मेरी, पता है? अगर तू पलौ नहीं आते तो क्यों किया थे तुमने मेरे साथ? क्यों? मंगला, क्यों? मंगला। क्योंकि अपने भाग का सुख दुख तो हर किसी को सहना पड़ता है। अब कभी नहीं बात करूंगी तुमसे, कभी नहीं। जब से देखा तुमको हाँ जब से देखा तुमको हम तो खोए 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 रहते हैं। जब से चाहा तुमको हम तो खोए 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 रहते हैं। सोचते हैं कुछ हम कहते हैं कुछ चाहते हैं कुछ हम मांगते हैं कुछ आज कल रात दिन जागे जागे सोए सोए रहते हैं।
अपनी गली का पता भूल जाते हैं, तेरा नाम लेके किसी और को बुलाते हैं। अरे माफ कर दो ना यार, बात मत करो मुझसे। कहाँ ना अनारकली अनारकली अनारकली, कहाँ छुपी हो? क्या ढूंढ रहा है? पैरा काओ ना, क्यों परेशान कर रही हो? क्या हुआ? मेरी अनारकली। अरे अरे अनारकली आओ ना। अरे अरे भाई क्या हुआ, क्या हो गया, किसे ढूंढ रहे हो? मेरी बच्ची, मेरी रानी, मेरी सोनी ब्लैक ब्यूटी अनारकली। अच्छा अच्छा, अरे अरे बार बार नीचे क्यों जा रहे हो? बहुत छोटी है क्या? इतनी बड़ी है। इतनी? अरे कोई बच्ची को इतना बताता है, कोई इतना बताता है। तुम पहले आदमी हो जो बच्ची को यूं बता रहे हो। ओके, इंसान की बच्ची है क्या जो यूं 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 बताओ? इंसान की नहीं है, फिर किसकी है? सांप की। मेरी रानी, मेरी सोनी, मेरी अनार। मिल गया सांप, मिल गया सांप, मिल गया सांप, मिल गया सांप, मिल गया। देवता, ये आप ही की कृपा है कि उनका हाथ इनके कंधे पर आ गया और इनका बच्चा उनकी गोद में आ गया। जय हो नाग देवता। आइए इधर आइए। बैठिए दीदी। इतना परेशान किया तूने मुझे अनारकली। मैंने इसे पकड़ लिया, आप उसे छोड़िए ना। अरे मलिक, आपके खेतों में जंगली हाथी घुस गए। क्या रुद्र? हाँ, तुम घर से बंदूक लेकर आओ और तुम हाके वालों को बुलाओ। जी।
ताशे बजवाओ, बम पटाके चलवाओ, जाओ। Thank you.
चलिए ताऊ जी। डॉक्टर मंगला सोलंकी एमबीबीएस कविवा चिरंजीव अभय विष्णु प्रताप सिंह एलएलबी दैट्स बेटर। मंगला कैसी है? अच्छी है। हाय अंकल। हेलो आंटी। हेलो बेटा। कौन है? अभय इंदर भैया का बेटा। इंदर का बेटा? उम्मीद करता हूँ कि इसका बाप जैसा ना हो। अभय तुम वहाँ क्या कर रहे हो बेटे? एक मिनट दादी माँ, एक मिनट। यू सारीज आर ब्यूटीफुल दादी माँ। क्या? आपकी सारी साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। अच्छी हैं तभी तो अलमारी में रखी है ना। उससे क्या फायदा दादी माँ। चलो इनमें से एक पहन लो और फिर आप में कार्ड देने जाएंगे। कार्ड? वो तो सारे के सारे भेज दिए। अपने ननंद को कार्ड दिया आपने? वो उनकी हाथ तो खुद जाके देना पड़ेगा। नहीं बेटे वो तो शायद दरवाजे से ही लौटा देंगे। अजी ऐसे कैसे लौटा देंगे? आखिर अभेंद्र विष्णु प्रताप सिंह नाम है मेरा। ये अच्छी है, ये पहन लो। कम ऑन दादी माँ, यहां तक आकर बिना कार्ड दिए हम वापस नहीं जाएंगे। ओके कौन है उधर? हाँ कोई भी तो नहीं। मुझे तो उस बंबई वाले की आवाज सुनाई दे रही है। आपको तो हर वक्त उसी की आवाज सुनाई देती है। भाभी दादी माँ टीका करो और कार्ड दे दो। मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। सर पर जल्दी पानी डालो। हाँ। जल्दी डालो। पानी डाल रही हूँ। अरे बेवकूफ ये क्या डाल दिया तूने? सर पर पानी डालो। जल्दी हो गई जी। उबटन डल गया। पूरी आँख जल रही है। पानी डालो सर पे। पानी बेवकूफ कहीं की। पानी खत्म हो गया। दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? मैं भी पानी लेकर आती हूँ। जल्दी जाओ पानी लेकर आओ। जल्दी जाओ। मैं पानी लेकर आती हूँ। ये बच्चे तुम्हारे भैया के साथ मेरा ब्याह दोबारा रचा रहे हैं। बीती बातों को भूलकर आने की कृपा करें। नमस्ते। दादी माँ और दादाजी के जीवन का ये बड़ा ही शुभ दिन है। सारा गांव घर में जमा होगा पर घर की इकलौती बेटी और दामाद जी नहीं होंगे तो अधूरा सा लगेगा। प्लीज जरूर आइएगा। साहब जी साहब जी साहब जी बांध में दरार पड़ गई है। सारा गांव उसी तरह भाग रहा है। अगर पानी के इस बहाव को रोकना है तो हम सब मिलकर उत्तर की तरफ छेद कर देते हैं। मेरे खेत बर्बाद होते हो तो हो, हमारा गांव सलामत रहना चाहिए।
कहाँ जा रही हो? जी वो साथ वालों के घर में शादी है, सब लोग वहीं गए हैं। इसलिए तुम भी जा रही हो? मैं भी जा रही हूँ, अगर आप इजाजत है तो। तुम लोगों का तो खून सफेद हो गया है। एक दूजे को इतना प्यार दे, ये सांसें ये जीवन वार देना कभी हो जुदा ना, कभी हो जुदा, उम्र भर साथ में हम रहे। चूड़ी रे चूड़ी रे, पहनू पिया की चूड़ी रे, दिल से दिल जो मिले दिल की बात हो गई, दिल से दिल जो मिले दिल की बात हो गई, बेकरारी बढ़ी मुलाकात हो गई, कहीं पायल बजी खन की चूड़िया, कहीं पायल बजी खन की चूड़िया। चूड़ी 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 चूड़ी, पहनूंगी पिया की चूड़ी चूड़ी, सेहरा सजा की मेहंदी रचा की, ले जाए चूड़ी 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 चूड़ी, पहनूंगी पिया की चूड़ी चूड़ी, चूड़ी 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 चूड़ी, पहनूंगी पिया की चूड़ी चूड़ी। जोड़ा जाए दिल से दिल का नाता, तोड़े से नहीं तोड़ा जाए दिल से दिल का नाता, हे जोड़े से नहीं जोड़ा जाए दिल से दिल का नाता, तोड़े से नहीं तोड़ा जाए दिल से दिल का नाता।
चूड़ी 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 पहनूंगी पिया की चूड़ी चूड़ी। छिड़े धरती अंबर चांद चकोरी बिन बांधे ही बन जाती है दो सांसों की डोरी। चूड़ी 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 ए मिलके कभी ना बिछड़े धरती अंबर चांद चकोरी बिन बांधे ही बन जाती है दो सांसों की डोरी। चूड़ी 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 पहनूंगी पिया की चूड़ी चूड़ी। चूड़ी रे चूड़ी रे पहनूं पिया की चूड़ी रे। चूड़ी 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 अब भाई, भाई, अरे यही सही वक्त है। इस वक्त दादाजी बहुत खुश हैं। जाओ जाके उनसे मंगला का हाथ मांग लो। जाओ जाओ। जैसी खुशी इस घर में फैल गई है मालिक, यदि वैसा ही कोई शुभ कार्य उस घर में भी हो जाता तो आनंद आ जाता। अब इस घर उस घर मत कर गंजो, अब दोनों घर एक ही हो गए हैं। अरे कहां मालिक, अभी तक रुद्र बाबू का गुस्सा शांत कहां हुआ है? फिर भी दोनों घरों के बीच अगर रोटी बेटी का व्यवहार भी हो जाता तो आनंद में और आनंद आ जाता। क्या मतलब? अब देखिए ना, पहले इस घर की बेटी उस घर में भी आई गई यानी अपनी मालकिन, मगर बदकिस्मती से उस घर की बेटी इस घर में ना आ पाई, इसलिए अब बारी है कि इस घर की बेटी उस घर में ब्याही जाए। यानी अपनी शांति बिटिया का बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है अचल, और जयकुमार बाबू की बेटी जिसे आप अपनी पोती मानते हैं यानी मंगला, अगर इन दोनों का ब्याह कर दिया जाए तो दोनों घर फिर से एक हो जाएंगे। वैसे बात तो ये ठीक कह रहा है विष्णु, एक शादी में हम बिछड़ गए थे, दूसरे में फिर से मिल जाएंगे, क्या कहते हो? मेरे लिए तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है, लेकिन इसमें मर्जी मेरी नहीं जयकुमार की पूछनी चाहिए। कैसी बात कर रहे बाबूजी आप, मुझसे ज्यादा हक तो मंगला पे आपका है। अब बिल्कुल देर मत करो भाई, इससे पहले की बात काबू से बाहर हो जाए जल्दी जाके अपनी बात कर लो। जाओ जाओ। बाबूजी, एक झिझक के साथ एक डर के साथ बरसों बाद मैंने इस घर में कदम रखा। आज ये रिश्ता जोड़कर आप सभी लोगों ने मुझ विधवा का आंचल रंग दिया। तो वीरेंद्र, अच्छा सा मुहूर्त देखकर सगाई कर देते हैं? नहीं विष्णु, सगाई हमें रास नहीं आती, हम तो सीधा शादी का मुहूर्त निकालेंगे। ठीक है। चूड़ी
मिलेगा यहाँ। अभी से तैयारी शुरू कर दो। गोविंद ये ले लो जी। लीजिए आओ बेटी। बड़े भाई जी। दादाजी इधर आओ, इधर आओ बेटे। इन दोनों घरों की खुशियां तुमने वापस लौटा दी है। मेरा पोता होने के नाते तुमने मेरे लिए बहुत बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम्हारा दादा होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस शादी के बाद तुम्हारी शादी की बारात भी इसी घर से निकले। अगर शादी के लिए कोई लड़की ढूंढ ली हो तो बेटे मुझे बताओ, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी पसंद की लड़की से ही तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ठीक है? ठीक है जी। एक और बात, तुम चाहते थे ना ये चेन मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊं? जी हाँ। आओ बेटे। बेटे आज के बाद कभी भी मेरे बेटे की कमी मुझे महसूस नहीं होने देना। नहीं जीते रहो, कभी नहीं। आओ खुश रहो बेटे, खुश रहो। वीरेंद्र प्रताप जी खुद चल के आ रहे मुझसे मिलने। अरे ये सूरज कहां से निकला है, लेकिन किस लिए? उन्हें एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाना है शादी के लिए। शादी के लिए? अरे उनकी पत्नी तो जिंदा है, दूसरी शादी करेंगे क्या? इसलिए तो लोग तुम्हें लात मारते हैं। अरे मालिक अपने नाती की शादी के लिए आ रहे हैं। नाती? हाँ। वो विधवा शांति बहन का लड़का? अरे वो तो गया था अमेरिका पढ़ने, लौट आया क्या? लड़की कौन है? मंगला, मंगला अपने जय कुमार बाबू की बेटी। हाँ। वो तो विष्णु प्रताप की पोती है। चतुर्वेदी जी पोती नहीं, पोती जैसी है। अरे जो भी हो शादी तो विष्णु प्रताप जी के यहाँ ही होगी ना। हाँ तो। लगता है बड़े जोरों की लगी है, बिना डब्बा लिए ही भाग गया। उस दिन पहले रुद्र बाबू ने पीटा, फिर बंबई वाले ने पीटा, आज ये किसी और से पिटवाने की चाल चल रहा है गज्जू। लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने देंगे चतुर्वेदी जी? आज तो विष्णु जी के घर में बात पक्की हुई है। अच्छा? हाँ तो बात ही पक्की हो गई? बिल्कुल पक्की। बेवकूफ समझा गया तूने मुझे। मैं चतुर्वेदी हूँ, चतुर्वेदी। चार वेद पढ़े हैं मैंने, मुझे बनाने चला है तू। वो क्या है? आसमान। ये क्या है? धरती। अगर तू कहे दोनों एक हो सकते हैं तो मैं मान जाऊं कि दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन विष्णु प्रताप और वीरेंद्र प्रताप कभी एक नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। अगर ग्रह फिर जाएं और दोनों एक हो जाएं, लेकिन शादी के मंडप में फिर अलग हो जाएंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। रामवरण चतुर्वेदी की भविष्यवाणी है। क्या फिश कर रहा है? मेरी बात याद रख ले, तू भी याद रख ले। शादी का मुहूर्त निकालने के लिए कहा था, तू तो अपशकुन कर रहा है नालायक। इसका भविष्य दिखाओ इसे। हर बार अशुभ बोल के मार खाते हो, तुम्हारा शुभ दिन कब आएगा चतुर्वेदी? तोड़ दिया रे चारों तरफ से। दूसरों की किस्मत का हाल पढ़ने से पहले अपनी किस्मत का हाल पढ़ लेता रे चतुर्वेदी। ये मिठाई उनके घर दे देना, ठीक है? जी हाँ। अरे हमें पता चल गया मंगला
दीदी का दूल्हा कौन है हमें पता चल गया। कौन है? बहुत हैंडसम है, खूब पढ़ा लिखा है, फॉरेन में है, नाम है अचल। अचल 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 अचल। ये अचल कौन है? जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है। शादी? लेकिन मेरी शादी तय की किसने? नाना जी ने और तुम्हारी मम्मी डैडी ने, लड़की की माँ शांति बुआ ने, मेरे नाना ने और सब ने। अबे सुना तुमने, शांति बुआ जी का बेटा अचल जो फॉरेन में पढ़ रहा है उसके साथ मेरी शादी होगी। हाउ फनी इट इज। इसमें फनी क्या है? और नहीं तो क्या, पता नहीं वो कौन है कैसा है। वैसे भी शादी करने के लिए एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को समझना या फिर हम दोनों की तरह एक दूसरे से प्यार करना बहुत जरूरी है ना। क्यों? क्यों हंस क्यों रहे हो तुम? ये सुनकर कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, ये गलतफहमी तुम्हें कैसे हो गई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? देखो जब से आए हो किसी न किसी तरह रुला रहे हो, अब बस करो, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। चलो चढ़ कर सबसे कहते कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। औरों की तरह तुम्हारे साथ भी मजाक किया था मैंने। मंगला, जिसको तुम प्यार कह रही हो गलत समझ रही हो तुम। मैं गलत समझ रही हूँ? जब भी हम दोनों की नोकझोंक के बीच तुमने मुझे हराया, मुझे ऐसे लगता था कि तुमसे हार के भी मेरी जीत है। हंसते खेलते मुझे रुलाने के लिए जब तुमने मेरी तस्वीरें खींची, मैंने समझा कि मैं तो तुम्हारे दिल में बस गई हूं। और जब तुमने सबसे कहा कि तुम साइकिल से हार गए और मैं जीत गई, उस पर मुझे यकीन हो गया कि मैंने तुम्हारे दिल में जगह कर ली है। लेकिन अब पता चला साइकिल रेस नहीं, तुम्हारा प्यार जीतने में हार गई। बस एक बार मेरी आंखों में देखकर कहो, हम इतने दिन साथ साथ रहे, क्या किसी भी पल तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? नहीं। मजबूरी है ये कैसी दूरी है, कैसा ये मेरा प्यार है, सजा ये कैसी नसीबा है, इस जीत में तो हार है। रोना
पाया तेरे दिल को, तुझसे बेरुखी कर ली, रुलाया तेरे दिल को, तुझसे बेरुखी कर ली, बेबसी थी मेरी तुझसे दुश्मनी कर ली, बेबसी जिसे दुश्मनी कर ली, तुम तीनों यहीं पे काम करोगे तो वहां कौन देखेगा जी? जाओ जल्दी जाओ। जी जाता हूं। अभय, अब तो शादी की तैयारियां भी कितनी शानदार तरीके से हो रही है ना? हाँ, होनी भी चाहिए। आखिर विष्णु प्रताप सिंह के परिवार में शादी हो रही है, कहीं कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए। मेरी तरफ देखो और कहो। ये मंगला की शादी हो रही है बेटे? अरे क्या माँ, तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, क्या तेरे दुख का अंदाजा नहीं है मुझे? तेरे होठों पे हंसी तो है पर तेरी आंखों में जो दर्द है ना, वो मुझे साफ नजर आ रहा है। अब इन सब बातों का क्या मतलब? क्या तू मंगला से प्यार नहीं करता? हाँ माँ, मैं मंगला से बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये 10 दिनों का साथ ऐसा लगता है कि मैं उसे बरसों से जानता हूं, जैसा मेरा कोई रिश्ता हो उसके साथ। अभय, तू उसे इतना चाहता है, क्या उसके बगैर तू जी पाएगा बेटा? हाँ इधर आओ मां। सालों बाद इस घर में खुशियां लौट आई हैं। दादाजी फिर से अपनी बहन को मिल सकते हैं और शांति बुआ को देख मां, पूरे 25 साल बाद उनके चेहरे पर हंसी दिखाई दी है। अब अगर मैं कुछ कहूं तो ये दो परिवार आपस में फिर लड़कर एक दूसरे को मार डालेंगे और मैं अपनी एक खुशी के लिए सबकी खुशियां नहीं छीन सकता मां। और अगर मंगला ने तुमसे ये पूछा कि इन सब की खुशियों के लिए तुम मेरे प्यार को क्यों ठुकराना चाहते हो, तो तुम क्या जवाब दोगे? मैं मंगला से कह चुका हूं कि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया। अगर उस दिन मैंने या तुम्हारे पिताजी ने भी परिवार के बारे में सोचा होता तो शायद आज तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू ना देखने पड़ते। नहीं मां, प्लीज, एक दो दिन की तो बात है, उसके बाद हम मुंबई लौट जाएंगे, ढेर सारी यादें लिए और उन्हीं यादों के सहारे मैं जी लूंगा मां। अभय, अगर तू मेरा बेटा ना होता तो आज मैं तेरे पांव छू लेती। अरे नहीं मां, माँ के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। जा माँ, मंगला को दुल्हन बना, उसे आशीर्वाद दो, वो हमेशा खुश रहे। Thank you.
मालिक, अगर मेरे लिए भी आप ऐसी शेरवानी सिलवा देते ना तो बहुत अच्छा होता। मैं तुझे सूट सिलवा दूंगा, फिक्र मत कर। सूट पे ये माला कैसे पहनूंगा? हाँ वैसे। चलो ना भाभी। रुद्र, चलो उठो। वहां वो इंद्रप्रताप का बेटा भी होगा जिसे देखते मेरा खून खौल उठता है। रुद्र, ब्याह मेरे बेटे का हो रहा है, तुम्हारे भांजे का। चलकर उसे आशीर्वाद नहीं दोगे? चलो ना भैया। अब चलिए, मैं आता हूं, तुम भी जाओ इनके साथ। चलो चले मुन्ना, आजा। विष्णु मुबारक हो भैया। मुबारक हो। भाई भैया, भाई भैया, मंगला दीदी ने आपके लिए ये चिट्ठी दी है। मंगला ने? हाँ, पहले तो गुस्से में थी, फिर रो रही थी, फिर वो अटैची उठा के कहीं चली गई। क्या हुआ भाई? हाँ, मंगला चली गई है। हाँ गोविंद दादा, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं किसी भी तरह उसको वापस लेकर आता हूँ। शुभ घड़ी बीते जा रहे जजमान, कन्या को बुलाइए ना। अरे भाई कहाँ है मंगला, बुला लो उसे। जाओ बुलाओ। दादाजी, दीदी तो घर पे नहीं है। घर में नहीं है क्या मतलब? चलो बिटिया, तुम्हें मम्मी बुला रही है। एक मिनट ठहरो। मंगला कहाँ है? चलो बिटिया। रुद्र, मंगला कहाँ है? भैया के लिए चिट्ठी छोड़ के चली गई। अभय कहाँ है? वो भी दीदी के पीछे चले गए। मना किया था मैंने, ये रिश्ता मत जोड़ो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख लो नतीजा। रुद्र प्रताप, एक मिनट। जैसा बाप वैसा बेटा। वो दुल्हन को वेदी की आग में झोंक कर चला गया था और ये दुल्हन को वेदी पर से भगा कर ले गया। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जो अमृता दीदी के शादी का वक्त था। अब मैं दुल्हन को गांव से बाहर नहीं निकलने दूंगा। हाँ मेरे साथ। रुद्र, जल्दबाजी से काम मत लो। ये जल्दी अगर पहले कर ली होती तो नौबत कभी ना आती। और आप लोग यहां से कोई मत जाना, मैं दुल्हन को भी वापस लेकर आता हूं। और तुम लोग शहनाई यहीं पर बजाना, पहले शादी की उसके बाद मातम की। रुद्र, रुद्र, चलो चलो। रुद्र, मंगला, ये जो तुम कर रही हो गलत है। प्लीज प्लीज वापस चलो मेरे साथ। ठीक है, मैं चलूंगी। सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे शादी करोगे, मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी और के साथ शादी कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। मंगला, शादी से सिर्फ हम खुश रह सकते हैं। क्या तुम्हें दूसरों की खुशियों की जरा भी परवाह नहीं? मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं, मुझे अपनी खुशी ज्यादा प्यारी है। अबे, तुम प्यार के लिए कुर्बानियां दे सकते हो, लेकिन प्यार को तो कुर्बान नहीं कर सकते। वीरेंद्र प्रताप,
ये मेरा जूता उठाओ और इससे आज मुझे बहुत मारो। सबके सामने मुझे आज इतना मारो कि आज के बाद कोई भी मुझे अपनी बराबरी में नहीं बिठाए, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि मेरा खून ही गंदा है। बाजी शांत हो जाइए। बेटा वो जो नालायक निकला और आज ये पोता। नहीं साहब जी, नहीं, इस सब में अभय बाबू का कोई दोष नहीं है। तुम चुप रहो गोविंद। नहीं रहूंगा साहब जी, मैं चुप नहीं रहूंगा। इतने दिन अभय बाबू चुप रहे और उसका नतीजा यही हुआ कि आप उनके पीठ पर भला बुरा बोल रहे हैं उनको। असली बात तो यह है कि अभय बाबू और मंगला बिटिया प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी करने वाले थे दोनों, लेकिन इतने में रिश्ता तय हो गया। मगर आप लोगों के खुशी के लिए अभय बाबू ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया, गला घोट दिया अपने प्यार का, ताकि आप दोनों के परिवार में फिर से मेल हो जाए। ये क्या कह रहे हो गोविंद? मैं सच कह रहा हूं बाबूजी, सोलह आने सच कह रहा हूं। वो मंगला बिटिया नहीं मानी, उसे लगा कि ये पाप है, ये महापाप है कि मैं प्यार किसी और से करूं और शादी किसी और से करूं। ऐसे कभी घर नहीं बसते साहब जी, घर बर्बाद हो जाते हैं, इसीलिए वो घर छोड़ के चली गई और जाते वक्त ये चिट्ठी छोड़ गई। मेरी बात तो सुनो मंगला। मैंने सब सुन लिया बे, सब सुन लिया है। तुम्हारी हर बात जो तुम अपनी माँ से कह रहे थे, तुम्हारी डायरी का हर एक पन्ना पढ़ा है मैंने, जिसमें तुमने सिर्फ हमारे प्यार के बारे में लिखा है। मैं जानती हूँ तुम मुझे चाहते हो, प्यार करते हो तुम मुझसे। इस समय मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मुझे समझने की कोशिश करो, तुम जानती हो अगर तुम घर नहीं चलोगी तो वहाँ क्या होगा। हाँ पता है, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम अपने दिल पर लिख दिया है, जिसे अब कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं। मंगला, मंगला, मंगला। अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हमारे घर की भौंक भगाने की है? देख रुद्र, मैं झगड़ा बिल्कुल नहीं कर रहा था। अबे मैं यहाँ मंगला को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। अबे साले मुझे देखकर बात घुमा रहा, अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो तू भी अपने बाप की तरह यहाँ से भागने की तैयारी में था। नहीं रुद्र, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। क्या समझने की कोशिश, क्या समझने की कोशिश करूँ? बचपन से इसी दिन का मौका ढूंढ रहा था, साले मेरे घर की बहू पर मजा डालता है। मारो साले को। Oh!
मंगला, मंगला, आंखें खोलो, उठो, उठो मंगला, उठो, मंगला, मंगला, उठो। अबे ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ जोड़िए ताऊ जी। अबे ये क्या कर दिया तुमने रुद्र? हाथ जोड़िए रुद्र। दादाजी यकीन करो मैं मंगला को घर ले जाने के लिए आया था। जानता हूँ बेटे, सब जान गया हूँ, मगर देरी से। बेटे तुम अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोगों को मिलाना चाहते हो, मैं आज तक प्यार करने वालों की भावनाओं को समझ नहीं पाया। पहली गलती अपने बेटे के साथ कर बैठा, दूसरी तुम्हारे। बेटे तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं जब मैंने तुमसे पूछा, कहा क्यों नहीं कि तुम मंगला से प्यार करते हो? अगर बताते तो क्या करते? अरे मारपीट और खून खराबे से जिंदगी की गुत्थी सुलझती नहीं है और वो लग जाती है। तू बता आज तक नफरत से हमें क्या मिला? अपनों को हमेशा के लिए खो दिया और अपनों से ही हमेशा दूर रहे। सच्चे प्यार के आगे तो भगवान भी झुक जाते हैं, पर इंसान क्या चीज है। मंगला तुम्हारे ही घर की बहू बनेगी। जय हो विष्णु प्रताप जी, जय हो वीरेंद्र प्रताप जी। अरे आइए आइए, राम भरम चतुर्वेदी साहब आइए। अरे उस दिन आप लोगों ने मुझे पीटा तो मैं शहर चला गया था इलाज करवाने के लिए, लौट कर आया तो पता लगा कि आप लोग एक हो गए हैं। राम भरम चतुर्वेदी की भविष्यवाणी झूठी निकल जाए मुझे यकीन नहीं होता, क्या आप सचमुच एक हो गए? नमस्कार प्रभु, अंदर तो आइए। बाप रे, आपने ही बोर्ड पर मारा था मुझे, मैं भूल नहीं सकता, मैं चलता हूँ। अरे चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी नहीं है, मैं त्रिवेदी हो गया हूँ, एक वेद कम कर दिया मैंने, मैं जाता हूँ। अरे अंदर तो आइए चतुर्वेदी जी, देखिए हम लोग सब एक हो गए अभी। कहाँ ले जा रहे हो? सुनिए, मैंने इन दोनों को अलग किया था, अब मैं ही दोनों को मिला रहा हूँ। देखिए सीताराम की जोड़ी, अब जल्दी से इनकी शादी का मुहूर्त निकाल दीजिए। शादी का क्या, अब तो मैं सुहाग रात का मुहूर्त निकाले देता हूँ, ये लो। क्यों इरादा ठीक है ना? कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, सुख दुख सदा मिलके सहे। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, सुख दुख सदा मिलके सहे। एक दूजे को इतना प्यार दे, ये सांसे ये जीवन वार देना कभी हो जुदा, उम्र भर साथ में हम रहे। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, सुख दुख सदा मिलके सहे।
मिलन की रात हो, मिलन की बात हो, लबों पे हो हंसी, हाथ में हाथ हो। मिलन की रात हो, मिलन की बात हो, लबों पे हो हंसी, हाथ में हाथ हो। हमें जीना है सबके वास्ते, हम छोड़े ना सच के रास्ते, ना कभी हो जुदा, उम्र भर साथ में हम रहे। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, सुख दुख सदा मिलके सहें।